Hi friends, welcome to Programs Magic. आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट का एक न्यू सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जैसे हम पहले इफ पढ़ चुके, इफ एल्स लेडर, नेस्टेड इफेल्स वगैरह पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते थे। मतलब वो वन बाय वन चेक करेगा, अगर जिसके साथ भी वो कंडीशन मतलब हमारी फुलफिल करती है, ट्रू रिटर्न करती है, तो वो तुरंत ही वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी कंडीशन के साथ अटैच्ड कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका एक बड़ा रीजन है कि हमें स्विच स्टेटमेंट इसी में क्यों दिया गया है, क्योंकि जो इफ एल्स वगैरह होते हैं वो बहुत मतलब उसमें अगर ढेर सारी कंडीशन आ गई, कुछ 10 के अराउंड या फिर 11-12 कंडीशन आ गई, 10 के अराउंड 11-12 कंडीशन आ गई, तो हम जब वो कंडीशंस को लिखेंगे तो कोड ऑफ मतलब जो कोड्स होंगे वो हमारे कई बड़े हो कोड बड़े हो जाएंगे, और उसमें जो मल्टीपल कंडीशंस होंगी, मल्टीपल इफेल्स या इफेल्स लेटर होंगे, तो वो क्या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और अगर कहीं एरर आती है तो उसे हम ढूंढने जाएंगे तो मतलब और भी जो प्रोग्रामर होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब हो क्या रहा है। तो जस्ट इसका जो सॉल्यूशन था वो सी लैंग्वेज में तब निकाल गया था, तब स्विच स्टेटमेंट आया। जो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, वो कोड को मतलब जो जिसमें इफ एल्स में बहुत सारा कोड लिखना होता है, पर इसमें इतना ज्यादा कोड नहीं होगा, बहुत इजीली और क्लीन कोड होगा। मतलब अगर आप इसे रीड करेंगे तो ये रीडेबल होगा, बहुत इजीली रीडेबल होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो लिखा है द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल और एक्सप्रेशन मतलब against a list of case value and when a match is found a block of statement associated with the case that case is executed। मतलब होता क्या है कि जो स्विच स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेशन थ्रू या फिर वेरिएबल दिया जाता है, तो उसको एक फाइनल वैल्यू मिलेगी जो खुद टेस्ट करके वो निकालेगा, और जो उसकी कई केस होते हैं। मतलब इसमें हम कंडीशन वगैरह जो लिखते थे इफ एल्स में, इसमें केस होते हैं। केस में अगर किसी केस में वो वेरिएबल की वैल्यू मैच करती है तो वो डायरेक्टली उसके साथ जो एसोसिएटेड कोड होता है वो केस की कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। पहले मैं उसकी सिंटैक्स दिखा दूं आपको, जितना भी येलो कलर में है वो उसके सिंटैक्स है, बाकी जो ब्लू रेड है उसे हम मतलब एडिट कर सकते हैं, बाकी किसी को चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सप्रेशन यहाँ पे जो स्विच के ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन यहाँ पे छोटा मोटा एक्सप्रेशन दे सकते हैं या फिर वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें जो भी वैल्यू होगी वो इन केस की वैल्यू वन जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेबल, इसे लेबल बोला जाता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखनी होगी अगर वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू से मैच करती है तो उसके साथ ये जो कोड एसोसिएटेड है वो रन करेगा। ब्लॉक वन जो ये लिखा है ये समझ लीजिए हमारे कोड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो रन हो रहे हैं। और अगर ब्रेक, फिर बाद में जैसे ये रन होगा, बाद में ब्रेक पे जब एग्जीक्यूशन जाएगा, ब्रेक जैसे ही होगा वो डायरेक्टली हमें कोड से बाहर निकाल देगा, जो स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकाल देगा। अब ये होता है मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इजीली कोई भी एल वैल्यू दीजिए और इसमें कई सारे केसेस होंगे, वो उनके लेबल के साथ सभी मैच करेगा, जो भी मैच होगा वो ब्लॉक को रन करके ब्रेक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई केस रन नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट ब्लॉक में चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ब्लॉक रन करके ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इसके रूल्स वगैरह भी हैं तो हम उसे पहले देख लेते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजरल टाइप। ओके, जो हमारा जो ये एक्सप्रेशन होगा वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ओके, फिर ये भी वैसा ही है। द सॉरी, केस लेबल मस्ट बी यूनिक, नो टू लेबल्स कैन हैव द सेम वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारे केसेस होंगे वो हर बार यूनिक होने चाहिए, किसी दोनों के सेम वैल्यू होने नहीं चाहिए, ऐसा है, कोई मतलब एरर नहीं होगी, पर उसमें से हमारे रिजल्ट में कंफ्यूजन होगी, वो दो चीजें एक साथ प्रिंट करेगा। तो द केस लेबल मस्ट एंड विथ अ सेमी कॉलन। ओके, यहाँ पे एक नई बात है, ये जो सेमी कॉलन है ये हमेशा जो हमारे लेबल होगा वो एंड इससे होगा, सेमी कॉलन से। अगर आप ये रखते हैं तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा टोटली।
ओके द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ स्विच स्टेटमेंट आउट, मतलब कंट्रोल आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। जो ये ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करता है, वो हमारा जो कंट्रोल होता है, मतलब कंट्रोल मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल, वो सीधा यहाँ से बाहर निकाल देगा। ओके और इट इज परमिटेड टू नेस्ट स्विच स्टेटमेंट। ओके यहाँ पे आप नेस्टेड जो होता था इफेल्स में, नेस्टेड इफेल्स, वैसे ही आप स्विच को भी नेस्टेड कर सकते हो, पर ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। अगर आपको तो भी ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई इन योर प्रैक्टिस। ओके द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ओके हियर ब्रेक स्टेटमेंट एक ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये जो सेकेंड ब्लॉक्स होंगे वो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा, पर ब्रेक ना होने से कोई एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा। ओके फ्रेंड्स, हम एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं जो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल हमें जो प्रैक्टिस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कोई प्रोग्राम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं एक हमारे टर्बो सी की स्क्रीन की तरफ और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी देखेंगे जो हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट हटाएंगे वगैरह वगैरह करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं पहले टर्बो सी की स्क्रीन पे, तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, हम अपने टर्बो सी की स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रोग्राम का फॉर्मेट रेडी है और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्विच केस का एक प्रोग्राम। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें हम बनाने क्या वाले हैं। यहाँ पे हम यूजर थ्रू इनपुट लेंगे, जैसे कि वन हमें यूजर थ्रू मिलता है तो वहां पे हमें प्रिंट होना चाहिए वन, मतलब इंग्लिश में प्रिंट होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग प्रिंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो वेरिएबल हमें बना दिया इंटीजर और यार वेरिएबल का नाम देते हैं, इसमें हमें अभी कोई वैल्यू नहीं देनी, हम यूजर थ्रू वैल्यू लेंगे, जैसे कि प्रिंट ऑफ। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर, योर वैल्यू। ओके हम ऐसा लिख देते हैं एंटर योर वैल्यू और फिर यहाँ पे हम स्कैनफ। ओके यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज डी और फिर एम परसेंट वेरिएबल का नाम। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं, स्विच में हमारा वेरिएबल का नाम होगा ये हो गया उसका ब्लॉक और यहाँ पे हम केस वन लिखेंगे, केस वन में हम वन लिख दिए है और ये सेमी कॉलन और प्रिंट प्रिंट ऑफ और डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे मतलब स्लैश एन हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन के लिए वन और यहाँ पे फिर ब्रेक स्टेटमेंट और वापस केस टू जिसमें हम प्रिंट ऑफ करेंगे वापस स्लैश एन टू। ओके और ओके इसका भी ब्रेक स्टेटमेंट। ओके मैं अब ज्यादा नहीं करता हूं और यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट आता है, डिफॉल्ट जब कोई भी केस मैच नहीं होता तब ये डिफॉल्ट लॉक एग्जीक्यूट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये लिख योर वैल्यू इज नॉट मैच्ड। ओके फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट खत्म और यहाँ पे है हमारा ये स्विच स्टेटमेंट। ओके
गेट सी एच आ गया और हमें पता है कैसे चलेगा कि कोड हमारा बाहर आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक और प्रिंट आउट लिख देते हैं कि हमारा जो कोड है वो एंड हो चुका है। तो एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, जस्ट पहले हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल 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 कंपाइल। ओके, कोई एरर नहीं है। अब इसे हम रन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम पहले वैल्यू देते हैं वन। अगर वैल्यू वन मैच करती है तो ये ऑटोमेटिकली ओके वन। देखा फ्रेंड्स, वन आ गया है। और यहाँ पे मुझे इसे स्लैश एन देना चाहिए जैसे कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा है। ओके, इतनी स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ जो टू प्रिंट किया। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हम वापस इसे रन करते हैं और मैं थ्री देता हूँ फोर, जो कि किसी के साथ मैच नहीं करेगा, तो डायरेक्टली वो योर वैल्यू इज नॉट मैच्ड आ चुका है। जो डिफॉल्ट ब्लॉक था वो रन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये स्विच स्टेटमेंट है, सिर्फ स्विच स्टेटमेंट। अभी अगर हम स्विच स्टेटमेंट नहीं लिखते तो यहाँ पे हमें दो इफेल्स वगैरह और एक मतलब लिखना पड़ जाता, काफी कोड हो जाता, पर इसमें बहुत कम कोड हुआ है। देखिए, जो इजीली समझ में भी आ रहा है, केस है और ब्रेक वगैरह है। अब जैसे एक ब्रेक स्टेटमेंट को हम कमेंट में करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। कोई एरर प्रोड्यूस नहीं किया, देखा उसमें लिखा हुआ था ना कि ये ऑप्शनल है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो वो टू भी ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा। जैसे एक फ्रेंड मैंने कहा था कि वो सेकंड केस भी में भी रन करेगा और वो डायरेक्टली बाहर हो जाएगा प्रोग्राम के, जो कि सेम वही हुआ। और अब यहाँ पे बात रही सेमी कॉलन की, तो उसे मैं हटा के दूसरा रखता हूँ और इसे रन करते हैं। ये एरर प्रोड्यूस करेगा कि ये मिस हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है, बाकी आप रख सकते हैं। अब इसमें हम कैरेक्टर डाल के देखते हैं कि मे बी ये रन हो कि योर वैल्यू नॉट मैच्ड। आप सिंगल कैरेक्टर डाल सकते हैं, पर दो दो कैरेक्टर से ज्यादा आप इसमें नहीं मैच करा सकते। वो मतलब ये कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए नहीं होता। सो फ्रेंड्स, हमारा जो स्विच स्टेटमेंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। ये मतलब इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपको अगर ज्यादा कोड इफ एल्स स्टेटमेंट से भी यही सब चीजें होती हैं, पर ये हमें इजी बना देता है हमारे कोड को। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।